वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको गोल गला में कॉलर लगाना बताऊंगी, जो कि कैसे लगता है, जो कि सबसे आसान लगाना है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे लगेगा फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं, तो पहले हमें इंची टेप लेना है, उसके बाद बकरम लेना है इसका, उसके बाद हमें नापना है कितना इंच का इसमें लगेगा कॉलर। तो यहाँ से हमें इस तरीके से रखते हुए हमें सेफ में नाप लेना है। तो यहाँ तक आ रहा है, तो ये कितना इंच आ रहा है, 11 इंच। तो हम 12 इंच की बकरम कटिंग करेंगे, तो वो हम काट लेते हैं इससे। तो हमें 12 इंच की बकरम कटिंग करनी है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे और इसी मार्किंग से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कट कर लिए। अब इसमें हमें शेफ देना होता है, तो वो शेफ कैसे देंगे, तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर से हमें रख लेना है फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से शेप जो देनी होती है वो, तो हम यहाँ से अब इसको छांट देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा छट गया है ये। अब इसके ही अकॉर्डिंग हमें इसकी कपड़ा कट करनी होगी, जो कि हमें कॉलर लगानी है। तो इसके लिए ये वाला फैब्रिक इसका बचा हुआ हमने ले लिया है, ये देखिए। अब इसी फैब्रिक से हमें कॉलर बनानी है। तो पहले हम इसको बराबर से इसके साइज़ की कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हम इधर से कट कर लेते हैं, ये देखिए। तो हमें इस तरीके से डबल करके इसके साइज़ की कटिंग करनी है। तो वही कटिंग पहले हम करेंगे। तो पहले हम इस वाले फैब्रिक को बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, यहाँ से हम कट करके हटा दिए। अब इसको हमें बराबर करनी है। ये हमने बराबर कर लिया है। अब इधर से हम इस तरीके से इसको बैठाकर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने कर लिया है, अब फिर इधर से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने कपड़ा निकाल लिया। अब इसको हमें इसके ऊपर अटैच करना है। तो अब ये चलिए पूरा इसके स्टिचिंग मशीन पे बताते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको कॉलर बनाते हैं। तो पहले हमें हाफ हाफ इंच पकड़ के नीचे से स्टिच करना होगा, तो वो हम कर लेते हैं इस तरीके से। एक सिलाई लगा लेते हैं पहले इस तरीके से। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया ये हाफ हाफ इंच। अब इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए कॉलर रखनी है। ये जो हमने बकरम कटिंग किया हुआ था इसी को हमें इसके ऊपर रख लेनी है इस तरीके से। और इसको अब हमें इसमें स्टिचिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब इसको स्टिच करनी है। ये गोल शेप देकर हमने इसको स्टिच कर लिया एक साइड का। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड को स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमने इधर का कट कर लिया, फिर इधर का हमें कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये हमने दोनों साइड का कट कर लिया। अब इसको हमें उलट लेना है इस तरीके से, ये देखिए ये हमने उलट लिया जो इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसके अंदर हमें स्टिच कर लेना है, फोल्ड कर देना है। तो वो हम इस तरीके से लेते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, हमें डालते हुए कर लेना है इस तरीके से। इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देना है। तो ये सिलाई हम लगा लेते हैं और इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इसको स्टिच कर लिए। अब इसके बीच सेंटर पर एक कट लगानी होगी फ्रेंड्स, तो वो कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ एक हमें कट लगा देनी है सेंटर पे।
अब इसको हम अटैच कैसे करेंगे वो देखिएगा। हमारा गोल गला है तो गोल गला में हम कॉलर कैसे लगाते हैं वो कंफ्यूज होता होगा, तो हम इसलिए आपका बता रहे हैं। तो यहाँ से हमने हाफ हाफ इंच कट कर लिया है इस तरीके से। अब इसको हमें स्टिच करना है, तो हम पहले इसको बीच सेंटर पर एक कट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ अब एक कट लगा लेते हैं सेंटर पे। अब इसको हमें इसमें अटैच कर लेना है, तो अटैच हम किस तरीके करेंगे, तो देखिए हम पीछे इस तरीके से मोड़ लेंगे, यह सेंटर जो हमारा यहाँ पकड़ेंगे और यह सेंटर को हमें पकड़ लेना है इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से। अब इसको हमें यहाँ से स्टार्टिंग करना है, जहाँ हमारी कॉलर जाएगी वहाँ से हमें इसको पकड़ के सिलाई लगाना है। तो ये देखिए कैसे लग रहा है, इस तरीके से हमें पूरे को पकड़ कर सिलाई कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने कॉलर पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम सीधा करके दिखा रहे हैं हमारा कॉलर कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने गोल गला में डिज़ाइन वाला जो हमने बनाया था गला, इसमें हमने कॉलर लगा लिया फ्रेंड्स। तो देखिए कितना आसान है कॉलर लगाना, इस तरीके से आप भी अपना कॉलर लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है। तो आपको कैसा लगा ये लगाने का मेथड, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।